हेलो एवरीवन, टुडे माय टॉपिक इज़ पोलराइजेशन। पोलराइजेशन इस टॉपिक में मैं ये बताऊंगी कि पोलराइजेशन क्या होता है और व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन और इनकी जो वेव इक्वेशंस हैं वो कैसे डिराइव होती हैं, वो सब मैं इसमें बताऊंगी। सो इसे सब देखने के लिए ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सो आई विल स्टार्ट विद पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या है? बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एट एनी पॉइंट इन स्पेस। जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम उसका बिहेवियर देखते हैं एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, किसी हमने स्पेस पे अलग अलग टाइम पे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम डिपेक्ट करेंगे, ठीक है, तो जो उसकी जो बिहेवियर होगा, जो भी बिहेवियर मीन्स कि अलग अलग टाइम पे वो अलग अलग पोजिशन पर होगा, तो वो पोजिशन से जो उसके जो शेप बनेगी, वो जो बिहेवियर होगा, दैट इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन। सो बेसिकली जो शेप है वो ही हमें बता देती है कि वो कैसी पोलराइजेशन है, टाइप ऑफ पोलराइजेशन क्या है। सो बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एट एनी पॉइंट इन स्पेस नोन एज पोलराइजेशन। सो एनी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कैन बी थॉट ऑफ एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है उसको हम इस तरह डिकम्पोज करके दो कंपोनेंट्स में देख सकते हैं जो कि आपस में दोनों परपेंडिकुलर हैं, दोनों के बीच में कुछ फेज डिफरेंस होगा जिसको डेल्टा बोलते हैं। सो एक कंपोनेंट होगा जो एक्स के अलॉन्ग होगा वो होगा ई एक्स, जो वाई एक्सेस के अलॉन्ग होगा वो होगा ई वाई, और जो हमारी वेव है वो प्रोपोगेट कर रही है वो जेड जेड डायरेक्शन के अलॉन्ग प्रोपोगेट कर रही है। सो जो ई एक्स है, ई एक्स को हम लिख सकते हैं ई वन कॉस ओमेगा टी, और जो हमारा ई वाई कंपोनेंट है उसको हम लिख सकते हैं ई टू कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा, वे डेल्टा क्या है, एक फेज डिफरेंस है। सो अगर ई एक्स, ई एक्स क्या है, ई एक्स इज इक्वल टू ई वन कॉस ओमेगा टी है, सो कॉस ओमेगा टी क्या हो जाएगा, ई एक्स अपॉन ई वन, ठीक है। और साइन ओमेगा टी को कैसे लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस स्क्वेयर ओमेगा टी का अंडर रूट, सो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वन माइनस कॉस स्क्वेयर ओमेगा टी, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी क्या है, ई एक्स स्क्वायर बाय ई वन स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये ई एक्स है ये ऑसिलेट कर रहा है एक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग, ये जो है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग ऑसिलेट कर रहा है, और डेल्टा क्या है, इन दोनों के फेज डिफरेंस है। तो कोई भी इस तरह कोई वेव है उसको हम उसके दो कंपोनेंट्स में हम देख सकते हैं, एक जो कंपोनेंट एक्स के अलॉन्ग, एक कंपोनेंट जो वाई के अलॉन्ग है, और दोनों की फेज डिफरेंस जो है वो डेल्टा हमने शो किया है। यहाँ पर हम ये अज्यूम कर रहे हैं जो वेव है वो जेड डायरेक्शन के अलॉन्ग प्रोपोगेट कर रही है, ठीक है। जो हमने लिखा ई वाई, ई वाई क्या है, ई टू कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा, तो यहाँ पे कॉस ए प्लस बी का डेंटिटी लगाएंगे, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, ये जो आइडेंटिटी होती है दिस इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो यहाँ पे e2 cos omega t प्लस डेल्टा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, e2 cos omega t cos डेल्टा माइनस sin omega t sin डेल्टा, और फिर ey upon e2 लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, cos omega t cos डेल्टा माइनस sin omega t sin डेल्टा, cos omega t की वैल्यू क्या है, ex upon e1, तो यहाँ ex upon e1 डाल दिया, cos डेल्टा माइनस sin omega t क्या है, अंडर रूट वन माइनस ex square upon e1 square sin डेल्टा। Also, we can write it as ex upon e1 cos delta minus इस टर्म को और इस टर्म को लिख दिया माइनस ey upon e2 का होल स्क्वायर, अगर हम इसको स्क्वायर कर देंगे और ये वाली टर्म फिर स्क्वायर होगी तो ये क्या बनेगा, 1 माइनस ex square upon e1 square sin square delta, ठीक है। इन दोनों को हमने इस टर्म को उधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है, और ये टर्म हमने उधर शिफ्ट कर दी, ये टर्म हम इधर ले आए, और फिर दोनों को हमने स्क्वायर करके ऐसे लिख दिया, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको हम देखेंगे, ये क्या बनेगा, ए का स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर क्या है, ई एक्स अपॉन ई वन का स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा ई एक्स स्क्वायर बाई ई वन स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा माइनस टू ई एक्स ई वाई अपॉन ई वन ई टू कॉस डेल्टा, ठीक है, और प्लस ई वाई स्क्वायर अपॉन ई टू स्क्वायर। सो
और जो राइट हैंड साइड है उस पे हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड में हमारे पास है 1 - ax² / e² साइन स्क्वायर डेल्टा, इसका इसको अंदर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे साइन स्क्वायर डेल्टा माइनस साइन स्क्वायर डेल्टा ax² / e²। सो ये इक्वेशन में यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर डेल्टा आ रहा है और साइन स्क्वायर डेल्टा दोनों आ रहे हैं, तो ये बन जाएगा ax² / e² माइनस 2 ax / e1 / e2 कॉस डेल्टा प्लस ey² / e2² इज इक्वल टू साइन स्क्वायर डेल्टा। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो टर्म थी ex² / e1² कॉस स्क्वायर डेल्टा और ये वाली टर्म, दोनों में ये टर्म कॉमन है ex² / e1² और कॉस स्क्वायर स्क्वायर, कॉस स्क्वायर डेल्टा प्लस साइन स्क्वायर डेल्टा क्या होता है, 1 होता है। तो हमारे पास ये टर्म आ गई थी, माइनस ये वाली टर्म एज इट इज लिख दिया और ये वाली टर्म एज इट इज लिख दिया, साइन स्क्वायर डेल्टा एज इट इज, मतलब ये टर्म और ये टर्म को हमने कंबाइन करके लिखा है। सो ये हमारी जो इक्वेशन बन गई, ये क्या है, एक्लिप्स की इक्वेशन है। एक्लिप्स की इक्वेशन में क्या होता है, ex² / e² + y² / d² ठीक है, इस तरह होती है इक्वेशन इज इक्वल टू समथिंग। तो अगर हमारे पास इस तरह की इक्वेशन है, इसको हम बोल देते हैं एक्लिप्स की इक्वेशन। तो ये जो शेप होती है, जो शेप बनती है, मैंने आपको जैसे पहले बताया, शेप टेल्स अस द टाइप ऑफ पोलराइजेशन। सो अब शेप कैसे आएगी, अलग अलग केसेस, इसी इक्वेशन से हम सारी जो टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन है वो यहाँ से ही निकालेंगे इसी इक्वेशन से। अगर फेज डिफरेंस डेल्टा ज़ीरो है, तो यहाँ पर अगर डेल्टा को ज़ीरो डालेंगे पहली इक्वेशन में, तो क्या बनेगा, ex² / e1² माइनस ये कॉस जीरो के हो जाएगा 1 माइनस 2 ax / ey / e1 प्लस ey² / e2² इज इक्वल टू, ये टर्म तो जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर डेल्टा क्या है, ज़ीरो होता है, साइन स्क्वायर जीरो क्या होगा, जीरो, साइन जीरो जीरो होता है। तो ये कॉस जीरो को बन जाएगा 1, तो ये बन जाएगा ex² / e1² माइनस 2 ax / ey / e2 प्लस ey² / e2² इज इक्वल टू ज़ीरो। और इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, a² - 2ab + b² के फॉर्म में है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a - b² होल स्क्वायर। सो इसको लिख दिया ex / e1 - ey / e2² जो है ज़ीरो, और वी कैन राइट इट एज ex / e1 = ey / e2। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ey = e2/e1 × ex, ठीक है, जो कि क्या है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन गई, वे y = mx, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y = mx, यहाँ y क्या है ये और x क्या है यहाँ पे ये और m क्या है यहाँ पे ये स्लोप, ठीक है, m = e2/e1 = स्लोप। सो यहाँ से आ गया कि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनती है। सो अगर डेल्टा ज़ीरो होता है तो एक स्ट्रेट लाइन सी बन रही है, ये स्ट्रेट लाइन से हम कह सकते हैं, अगर स्ट्रेट लाइन बनती है तो वो किस तरह की होगी, पोलराइजेशन क्या होगी, वो होगी लीनियर पोलराइजेशन। लीनियर पोलराइजेशन बोलते हैं जब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आती है, जब फेज डिफरेंस दोनों फैक्टर्स का ज़ीरो होता है, ठीक है, अगर e1 ज़ीरो होगा तो वर्टिकल होगा, क्योंकि ये वाला अगर कंपोनेंट ख़त्म हो गया तो वर्टिकल वाली रहेगी, तो वर्टिकल लीनियर पोलराइजेशन बोलेंगे। अगर e2 वाला ज़ीरो है तो उस केस में ये वाई वाला कमरे ख़त्म हो गया तो ये एक्स के लॉन्ग होगी, तो उसको हॉरिजॉन्टल लीनियर पोलराइजेशन बोलेंगे। तो लीनियर पोलराइजेशन में भी दो तरह से है, या तो वर्टिकल लीनियर पोलराइजेशन या हॉरिजॉन्टल लीनियर पोलराइजेशन। और अगर अगर हमारे पास कोई दो ऐसे e1 e2 वाला एंगल थीटा है, तो उसका थीटा हम कैसे निकाल सकते हैं, टैन इनवर्स ऑफ e2/e1, ठीक है। सो ये तो हो गया पहला केस स्ट्रेट लाइन का। दूसरा केस है कि अगर दोनों के जो ये एम्पलीट्यूड e1 e2 हैं वो दोनों सेम हो और फेज डिफरेंस इन दोनों के बीच में प्लस माइनस π/2 का हो, तो क्या होगा, अगर फेज डिफरेंस π/2 का है तो ये जो इक्वेशन है, यहाँ π/2 डालेंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगा और ये वाला टर्म 1 हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, ex² / e1² - 2 ex / cos π/2 + ey² / e2² sin² π/2, ये टर्म कैंसिल हो गया, तो ये बनेगा ex² / e1² + ey² / e2² = 1, बिकॉज साइन जो π/2 है वो 1 होता है। ये सर्कल की इक्वेशन है,
क्योंकि यहाँ पे ई वन ई टू क्या है, दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये दोनों तो टर्म रहेंगे ही नहीं, कैंसिल हो जाएंगे, और इक्वेशन क्या बनेगी, ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन, जो भी सर्कल की इक्वेशन होती है। सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो इस तरह की फॉर्म में आ गए। तो ये जो अगर डेल्टा अगर पाए प्लस माइनस पाई बाई टू है, तो यहाँ पे जो इक्वेशन है वो सर्कुलर की इक्वेशन बनती है, सर्कुलरली पोलराइज वेव की इक्वेशन बनती है। तो यहाँ पे भी दो केसेस हैं, अगर प्लस पाई बाई टू है तो कौन सा बनेगा, माइनस पाई बाई टू है तो कौन सा बनेगा। सो अगर तो डेल्टा जो फेज डिफरेंस है वो अगर माइनस पाई बाई टू है, डेल्टा इज माइनस पाई बाई टू, तब होता है राइट हैंड सर्कुलरली पोलराइज, ठीक है। और अगर डेल्टा प्लस पाई बाई टू है तो बोलते हैं लेफ्ट हैंड सर्कुलर पोलराइजेशन। तो लेफ्ट हैंडेड जो होती है वेव, उस केस में क्या है कि अगर हम इस तरह अगर देखें तो यहाँ पे राइट हैंडेड में क्या है, ये वाला जो टर्म है आई कैप ई नॉट एक्स, ये इसका एम्पलीट्यूड हो गया, कॉस के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस जे कैप ई नॉट वाई कॉस के जेड माइनस ओमेगा टी माइनस फाइव बाई टू। यहाँ देखो फेज डिफरेंस बता दिया माइनस फाइव बाई टू का दोनों के बीच में, तो राइट हैंड है। अगर एक प्लस है तो दूसरा भी प्लस है, दोनों प्लस है ना, तो यहाँ पे अब जो रोटेशन होगी वो कैसी होगी, एक्स और वाई की तरफ देखेंगे तो कैसी होगी रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज। सो जो राइट हैंडेड सर्कुलर पोलराइज जो वेव है वो क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करता है। अगर मैं लेफ्ट हैंड के केस में बात करूँ, यहाँ पे डेल्टा प्लस पाई बाई टू है, तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, आई कैप ई नॉट एक्स कॉस के जेड माइनस ओमेगा टी माइनस जे कैप ई नॉट वाई कॉस के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। अब यहाँ पे अगर देखें प्लस है और ये माइनस है, तो अगर ये प्लस है और ये माइनस है तो यहाँ पे रोटेशन क्या आ जाएगी, इस तरह होगी, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन। तो जो सर्कुलर पोलराइजेशन है, तो हमने देखा कि डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ये लेफ्ट हैंडेड या राइट हैंडेड होती है, ठीक है। अगर सपोज़ कि जो वेव है वो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, ठीक है, तो इसको राइट हैंड थंब रूल से हम देख सकते हैं कि ये लेफ्ट हैंडेड होगी कि राइट हैंडेड होगी। तो ये डिपेंड करता है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या है, ठीक है। तो अगर प्रोपोगेशन अगर हम प्लस जेड नहीं ले रहे तो वो केस हमारा उल्टा हो जाता है। अगर मैं मान लो कि पॉजिटिव जेड डायरेक्शन बोल रही हूँ, तो पॉजिटिव के केस में राइट हैंड के केस में मुझे पॉजिटिव के अलॉन्ग लेना है, और रोटेशन कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी राइट हैंडेड के केस में। और अगर मैं लेफ्ट हैंडेड के ले लूँगी, तो यहाँ पे अगर मुझे पॉजिटिव जेड एक्सिस है वेव प्रोपगेशन और लेफ्ट हैंडेड है, तो ये रोटेशन होगी क्लॉकवाइज। सिमिलरली अगर मुझे नेगेटिव का देखना है, तो नेगेटिव के लिए देखूँगी ये हो जाएगा एंटी, और इसमें अगर नेगेटिव देखूँगी तो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज। तो डिपेंड करता है कि जो वेव की डायरेक्शन है वो कैसी है, पॉजिटिव जेड है कि नेगेटिव जेड है, उसके हिसाब से जो पोलराइजेशन हैं उनकी जो डायरेक्शन होती है एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, ये चेंज हो जाती है, ठीक है। सो लास्ट इज इलेप्टिकल। इलेप्टिकल क्या है कि अगर दोनों का एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, ठीक है, ई वन इज़ नॉट इक्वल टू ई टू, और जो डेल्टा है वो या तो ज़ीरो ज़ीरो नॉन ज़ीरो हो, या फिर क्या हो प्लस माइनस पाई बाई टू हो, तो अगर तो ये तो इलेप्टिकल का केस है। इलिप्टिकल की तो इक्वेशन एज इट इज़ जो लिखी है सबसे पहली इक्वेशन, वो इलिप्टिकल की इक्वेशन है। ये जो इक्वेशन है ये इलिप्टिकल की इक्वेशन ही है, ठीक है। अगर अब यहाँ पे अगर डेल्टा तो अगर नॉन ज़ीरो है तो ये इस तरह लिखेंगे, अगर डेल्टा की वैल्यू अगर प्लस माइनस पाई बाई टू हो और ई वन नॉट इक्वल टू ई टू हो, तो क्या होगा, यहाँ पे यही स्टेप देख लो लास्ट वाला। यहाँ पे क्या हो रहा था कि जब हम ई एक्स स्क्वायर अपॉन ई वन स्क्वायर लिख रहे थे, तो दोनों के जो अगर पाई बाई टू है तो पाई बाई टू में क्या होता है कि जो कॉस पाई बाई टू है वो ज़ीरो हो जाएगा और ये वाला कंपोनेंट रहता है, ठीक है। तो ये टर्म कैंसिल हो जाती है जो हमने सर्कुलर का केस देखा था,
ये वाला सर्कुलर के केस में देखा था ना, तो यहाँ पे अब इलिप्टिकल के केस में उसमें क्या फ़र्क है। तो अगर यहाँ पे ये इक्वेशन आती है हमारे पास सर्कुलर के केस में, अगर ई वन इक्वल टू ई टू हो गया तो सर्कुलर बोला जाए, अगर ई वन नॉट इक्वल टू ई टू है तो ये इक्वेशन एज इट इज रहेगी, इसको हम बोलेंगे इलिप्टिकल की इक्वेशन जब एंगल पाई बाय टू है, वो एक स्पेशल केस है। ठीक है, ये जो स्पेशल केस होता है जब एंगल जो ये फेज डिफरेंस डेल्टा है ये पाई बाय टू के इक्वल है, तो हमारे पास ये इक्वेशन इस तरह आती है। ठीक है, और अगर वो नॉन जीरो है तो इक्वेशन वही है जो मैंने स्टार्टिंग में लिखी थी ये वाली। और इसमें क्या है कि अगर यहाँ पे अब ई वन ई टू दोनों बराबर नहीं है, अगर ई वन बड़ा होगा ई टू से तो ई वन जो है एक्स एक्सिस कहलाऊंगा, अगर ये बड़ा है तो ये शेप आएगी। ठीक है, ये मेजर एक्सिस होती है क्लिप्स की, ये माइनर एक्सिस होती है। और अगर ई वन जो है वो कम है ई टू से, ई टू बड़ा है, दैट मीन्स वाई एक्सिस वाला बड़ा है, तो ये इस तरह की शेप आएगी, तो माइनर एक्सिस वाला जो है वो बड़ा आएगा। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया कि लीनियर पोलराइजेशन, सर्कुलर पोलराइजेशन, इलेप्टिकल, इनकी इक्वेशन कहाँ से कैसे हम डिराइव करते हैं, जैसे कि इक्वेशन लेके डिराइव करते हैं, तीनों की इक्वेशंस को डिपेंड करता है कि फेज डिफरेंस क्या है और एम्पलीट्यूड क्या है। अगर एम्पलीट्यूड दोनों का अगर सेम है, ठीक है, अगर एंगल जो है जो फेज डिफरेंस है वो ज़ीरो है तो लीनियर पोलराइजेशन हो गया, अगर एम्पलीट्यूड सेम है और फेज डिफरेंस पाई बाय टू है तो सर्कुलर पोलराइजेशन हो गया, अगर एंगल भी ज़ीरो नहीं है और फेज डिफरेंस जो है वो पाई बाय टू भी नहीं है और ज़ीरो भी नहीं है और जो एम्पलीट्यूड है वो भी दोनों सेम नहीं है तो इलिप्टिकल पोलराइजेशन होगा। और इलिप्टिकल में अगर पाई बाय टू हो गया फेज डिफरेंस और एम्पलीट्यूड पर दोनों के डिफरेंट होने चाहिए, अगर दोनों के एम्पलीट्यूड डिफरेंट है और पाई बाय टू के इक्वल है तो शेप इस तरह की आती है। ठीक है, सो आई होप इट्स क्लियर। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।